हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह एक अच्छी गेम बना सकते हैं अपने टाइम पास के लिए। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी वीडियो समझ आए और आप किसी भी स्टेप को मिस ना कर दें। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको आर्डिनो यूनो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास आर्डिनो नैनो या मेगा है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। और आपको और भी कंपोनेंट हैं जैसे एलसीडी 16:2 एलसीडी यूज़ की है। आप इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना ताकि आपको पता लग जाए कौन सी पिन कहाँ पर कनेक्ट करनी है। और इसके साथ हमने ये जॉयस्टिक यूज़ की है, ये आपको आराम से अमेज़ोन पर मिल जाएगी। और कुछ और कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं, ब्रेडबोर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इस टाइम मेरे पास होल्डिंग का नहीं है। और ये वेरिएबल रजिस्टर है, इससे हम जो एलसीडी का कंट्रास्ट है उसको एडजस्ट करेंगे। और ये कुछ कनेक्टिंग वायर है जिससे हम कनेक्शन करेंगे पूरे सर्किट का। तो दोस्तों, ये जो सर्किट डायग्राम है, ये प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम है जिसके अकॉर्डिंग आपने कनेक्शन करने हैं। आप कहीं पे भी 5 वोल्ट एक कॉमन बना लें और ग्राउंड का एक कॉमन बना लें जहाँ पर आप सभी के 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे और सभी के ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे। आप अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम कनेक्शन कर दें ताकि आपका जो सर्किट है प्रॉपर काम कर सके। और अगले सेक्शन में आपको कोडिंग के बारे में बताऊँगा। तो ये जो सेक्शन है ये सारा कोडिंग का है। कोडिंग के लिए आपको एक आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें आप कोडिंग करेंगे। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा और कोडिंग का भी लिंक डाल दूंगा अगर आपको ये कोडिंग चाहिए तो। और जब आप कोडिंग करेंगे तो आप चेक कर लें स्केच में जाके कि जो आपका पोर्ट है और जो आपका बोर्ड नंबर है वो सिलेक्टेड होना चाहिए, वरना आप जब कोड को अपलोड करेंगे तो आप एरर आ सकता है। इसलिए एरर को ना आए इसलिए आप स्केच पे जाकर पोर्ट नंबर और दोस्तों आप पोर्ट नंबर और जो आपने बोर्ड है कौन सा बोर्ड यूज़ किया है आप वो भी चेक कर लें ताकि आपको कोई एरर ना आए कंपाइल के टाइम। जब ये आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा आपको बस इसको अपने बोर्ड में अपलोड करना है। आप आर्डिनो केबल की हेल्प से आर्डिनो को कनेक्ट करें और इसको कोड को आर्डिनो के अंदर अपलोड कर दें और आपका जो कोड है वो आर्डिनो में अपलोड हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।